हेलो एवरीवन, एक बुरी खबर है उन सभी लोगों के लिए जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं। आपको पता है एसएससी सीजीएल के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में दो जॉब्स भर्ती होती है, एक होती है टैक्स असिस्टेंट पे भर्ती और एक होती है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पे भर्ती। ठीक है, तो बैड न्यूज़ क्या है, आईसीटी बंद हो गया है, मतलब अब आप ट्रांसफर नहीं ले सकते। जिस जोन में आपकी ज्वाइनिंग लगेगी आपको वहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये रूल कितने टाइम तक आया है अभी नहीं पता, लेकिन फिलहाल आईसीटी स्टॉप हो गया है। सीबीआईसी डिपार्टमेंट की बात करें, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इसमें भी पहले आईसीटी बंद हुआ हुआ है और अब सीबीडीटी में भी बंद हो गया है। तो इससे कुछ हमारे कट ऑफ पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं और किस किस जॉब पे फर्क पड़ सकता है, किस पे नहीं पड़ेगा उसके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको नोटिस दिखा देता हूँ। नोटिस में क्या है, यहाँ पे ये नोटिस आया हुआ है 12 तारीख को, मतलब कल ही ये नोटिस आया था। इसमें क्लियरली मैंशन है कि अब आईसीटी नहीं होगी, इंटरचार्ज ट्रांसफर्स नहीं होंगे। ठीक है, जो अदर ग्राउंड्स हैं, मैरिज का ग्राउंड हो गया, अदर ग्राउंड हो गए, उनके बेसिस पे आपका ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल तरीके से आपका ट्रांसफर नहीं होगा। पहले क्या होता था, 3 साल के बाद आप अप्लाई कर पाते थे कि हाँ मुझे ट्रांसफर चाहिए, आपकी सीनियोरिटी लूज होती थी लेकिन फिर भी आपको ट्रांसफर मिल जाता था, लेकिन अब ये नहीं होगा। रीजन क्या दे रखा है, मास एक्सोडस इन सेवरल रीजन्स एडवर्सली इंपैक्टिंग रिवेन्यू कलेक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंसिस रिलेटेड टू इंटरचार्ज ट्रांसफर एंड अदर रेलिवेंट फैक्टर्स। मतलब होता क्या है, जैसे कि आप देखोगे अगर हम वैकेंसीज पे जाएं एसएससी सीजीएल 2018 की इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, चेन्नई रीजन में देखोगे आप 19 वैकेंसीज हैं। दिल्ली में अगर हम आ जाते हैं, दिल्ली के अंदर सिर्फ कितनी वैकेंसीज हैं, दिल्ली के अंदर सिर्फ 6 वैकेंसीज हैं। और जो एसएससी सीजीएल का पेपर भरने वाले लोग होते हैं, ज़्यादातर आपके एनआर रीजन से और सेंट्रल रीजन से होते हैं। ठीक है, और वैकेंसी साउथ में ज़्यादा होती हैं और साउथ में लोग कम भरते हैं कंपेरेटिवली। तो होता क्या है, जो टॉपर्स होते हैं वो भी इन्हीं रीजन से होते हैं ज़्यादातर। ठीक, तो अब क्या होगा, अगर मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ तो मैं प्रेफर करूँगा क्या कि मेरे को दिल्ली में ही जॉब चाहिए। ठीक, अब दिल्ली में जॉब चाहिए मेरे को, लेकिन क्या वो मिलेगी, टोटल 6 ही वैकेंसीज हैं। अगर ये 6 वैकेंसीज की बात करूँ जिनकी AIR रैंक 20 तक होगी, तब तक ही भर जाएंगी ये 6 वैकेंसी, इससे ज़्यादा चलेगा ही नहीं। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया रैंक आपको 20 लानी पड़ेगी अगर दिल्ली में आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब चाहिए। राइट, तो इस केस में क्या होगा, आपको अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ही काम करना है तो आप कहोगे चलो कोई बात नहीं, पोस्ट प्रेफरेंस के टाइम मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को टॉप पे रख देता हूँ, कोई बात नहीं मैं चेन्नई चला जाऊंगा, बाद में आईसीटी लेके वापस आ जाऊंगा। ठीक, लेकिन अब क्या होगा, आपने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को अपनी टॉप प्रायोरिटी पर रखा, सपोज आपकी ऑल इंडिया रैंक कितनी है, 50 है। ठीक है, यू आर कैटेगरी से हो, आपने क्या करा, 50 रैंक है, अभी तो रैंक भी नहीं पता चलती आपको Tier 3 के बाद, आपने थोड़ा आइडिया लगा दिया कि लगभग कितनी रैंक होगी, आप आईटीआई को टॉप पर रखोगे तो उस केस में आपको जो ज्वाइनिंग मिलेगी चेन्नई में मिलेगी। पहले तो आप चेन्नई से वापस आ जाते थे दिल्ली 3 साल बाद, ठीक है, ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दिया, सीनियोरिटी लूज हुई लेकिन आ जाते थे, लेकिन अब वो चीज़ भी नहीं होगी। तो इसका इंपैक्ट पड़ेगा कट ऑफ पे थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, टोटल वैकेंसी कितनी है हमारे पास, सिर्फ 70 है। ठीक है, तो अभी हम इस पर कट ऑफ पे डिस्कशन पे आएंगे। तो मेन रीजन आप ये समझो कि अब आपका जो आईसीटी है वो बंद हो गया है, आप ट्रांसफर्स इस तरीके से नहीं ले सकते। और रीजन भी यही है कि जैसे चेन्नई में आपने देखा वैकेंसी ज़्यादा हैं और जो सिलेक्शन ले रहे हैं लोग वो दिल्ली के ज़्यादा हैं, तो वो क्या कहेंगे, पहले वो ये कहते थे कि 3 साल हो गए अब मुझे दिल्ली भेज दो वापस, मुझे ट्रांसफर चाहिए, लेकिन अब ये पाइलअप होता रहेगा, सभी लोग अगर दिल्ली जाना चाहेंगे तो चेन्नई रीजन में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स कम हो जाएंगे और बाकी रीजन्स में दिल्ली के अंदर उनकी कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो जो फाइल्स हैं वो भरती रहती हैं, तो एक जगह पे तो ज़्यादा हो रहे हैं और एक जगह पे कम हो रहे हैं रिवेन्यू कलेक्शन में, इसकी वजह से डिफरेंस आ रहे हैं, तो यही नोटिस में कहा गया है। तो ये मेन रीज़न हमें जो समझ आया वो ये है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा कट ऑफ के ऊपर, क्या एक्चुअली में कुछ इसका इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो समझते हैं। देखो, अगर यहाँ पे वैकेंसी होती इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की 300-400 तो बहुत मेजर इफेक्ट पड़ता, बट अब वैकेंसीज कितनी है, सिर्फ 70 ही वैकेंसीज हैं। अगर हम बात करें 70 वैकेंसीज हैं तो एल ऑल इंडिया रैंक 200 तक इनकम टैक्स की सारी वैकेंसीज आपकी निपट जाएंगी। ठीक है, क्योंकि सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आपका क्या होता है, या तो ME होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जॉब होती है, या फिर ITI होता है, यही दो जॉब सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग। ठीक है, पिछले साल की मैंने लिस्ट भी दिखाई थी सीजीएल 2017 टॉपर्स की, उसमें टॉप 10 की दिखाई थी मैंने, टॉप 10 में से 5 या 6 ने ITI लिया था, 2 या 3 ने ME लिया था और 1 ने वो लिया था सब इंस्पेक्टर इन इंटेलिजेंस, सॉरी सब इंस्पेक्टर इन CBI। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लोग ITI को प्रेफर करते हैं, ऑल इंडिया रैंक कौशिक राज, उन्होंने भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लिया था। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग ITI लेते हैं, तो स्टार्टिंग की रैंक्स में ही ऑल ओवर इंडिया रैंक 200 तक ये फिनिश हो जानी चाहिए थी। अगर मैं मान लेता हूँ आईसीटी का इफेक्ट भी पड़ता है तो कितना इफेक्ट पड़ेगा, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का क्रेज तो खत्म होगा नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 200 से 300 तक खिंच जाएगा। एक तो आपको रैंक भी नहीं पता ऑल इंडिया रैंक, तो आप रिस्क भी नहीं लोगे इतना बड़ा। ठीक, तो ये 200 से 300 तक खिंचेगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, 100 रैंक का फर्क आया, और ये 100 रैंक का कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट पड़ेगा।
तो और जो जॉब्स हैं उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और किन किन जॉब पे इम्पैक्ट पड़ेगा वो देख लेते हैं। अब मेरे पास आ गई है 2017 की कट ऑफ। 2017 की कट ऑफ में बात करें, सबसे पहले हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कट ऑफ देखते हैं कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कट ऑफ कितनी गई थी। आप देखोगे यहाँ पे 578.75 गई थी, और इससे मिलती जुलती जो कट ऑफ गई थी वो गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में, दैट इज 576, ठीक है। और यहाँ पे आईटीआई की जब जो यूआर कैटेगरी की वैकेंसीज थी वो 110 थी, और एमबीए की वैकेंसीज थी 76। तो यहाँ पे कंपेरेबल आप देखोगे दोनों लगभग पास पास जा रही हैं। लेकिन इस बार क्या हो सकता है, इसके इम्पैक्ट की वजह से एमए की कट ऑफ थोड़ी सी हाई जा सकती है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से, एक या दो नंबर, या फिर बराबर रह सकती है। मतलब चांसेस कम है कि आईटीआई की कम जाएगी, तो ये थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ सकता है। और जरूरी नहीं है, आईटीआई का क्रेज को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाए एमए से, ठीक है, सीबीडीटी से। और आपकी इस बार 70 वैकेंसीज है इसमें, और एमए की वैकेंसीज की बात करूँ तो यूआर कैटेगरी से 45 वैकेंसीज है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की हल्की सी कट ऑफ आपकी हाई जा सकती है, क्योंकि इसमें आपको दिल्ली में ज्वाइनिंग मिलती है और इंडिया से बाहर जाने का भी मौका मिलता है, ठीक। तो इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की कट ऑफ पे। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की कट ऑफ देखोगे आप तो इसके अंदर पिछली बार 13 वैकेंसी थी, शायद इस बार 25 अभी देख लेंगे कितनी है, तो कमी वैकेंसीज हैं। और इसकी कट ऑफ भी लगभग 300 578 के आसपास है, 575 है सीजीएल 2017 में, तो इसकी भी कट ऑफ हाई जा रही है, तो इस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। जो 100 रैंक जो हमारी बीच में घुसेंगी, 100 या 50 रैंक जितनी भी होंगी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो पीछे जाने वाली है कट ऑफ में, वो इस पे इम्पैक्ट डालेगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की पोस्ट पे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की पोस्ट पे डालेगा। और ये तो सारी काफी दूर दूर है, ठीक है। ये ऑडिट ऑफिसर की तो 900 नंबर में से निकलती है, तो इसे तो भूल ही जाओ, इसका तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। सीएसएस की बात करें ये भी काफी दूर है, इस पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगी, इसका भी फर्क नहीं पड़ेगा। आईबी की कट ऑफ पे भी फर्क नहीं पड़ना, एएफएचक्यू की कट ऑफ पे भी फर्क नहीं पड़ना, ये भी बहुत दूर है यहाँ पे, और ये इस पे भी फर्क नहीं पड़ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया असिस्टेंट, ठीक है, इसकी तो लिमिटेड 2 वैकेंसीज हैं, तो इसे तो हम इग्नोर करके ही चलेंगे, 2-3 वैकेंसीज वाली, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स 3 वैकेंसी हैं, तो इसे भी इग्नोर करेंगे। तो जो मेजर मेजर इफेक्ट पड़ने वाली वैकेंसीज हैं वो यही है, एक है आपका असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ठीक है, इसकी 570 जाती है, तो इसकी भी कंपेरेबल है। तो इनमें ही जो ये 3-4 मैंने बताई आपको टॉप की, और जो जितनी भी दिल्ली के अंदर मिनिस्टरियल जॉब्स हैं सीएसएस को छोड़ दो, उसमें तो वैकेंसी बहुत ज्यादा है, इस बार उस पर तो इम्पैक्ट जीरो पड़ेगा, ठीक है। टोटल 955 वैकेंसीज है, यूआर कैटेगरी की 480 कुछ वैकेंसीज है, तो उस पर तो जीरो इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस चीज का कि आईटीआई में आईसीटी बंद हो गया है, ठीक है। तो मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज पे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पे, ठीक है। एएफएचक्यू पे भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, बाकी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो आईसीटी बंद हुआ उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो बिल्कुल भी नहीं घबराना, अगर आप सीएसएस लेना चाहते हो तो ये मान के चलो सीएसएस की जो वैकेंसी जो कट ऑफ पहले हम अज्यूम करते हैं कि जाएगी इस बार 2018 के लिए, वही रहेगी, उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा सीएसएस की पोस्ट पे या दिल्ली की किसी और पोस्ट पे। जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स वाली पोस्ट है, मतलब जो जिनकी कट ऑफ आई जाती है, जैसे रेलवेज हो गया, एमई हो गया, इन पे फर्क पड़ेगा, बाकी और किसी पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही चीजें मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी थी। एक बार हम वैकेंसी पोजीशन भी देख लेते हैं एसएससी सीजीएल 2018 की जो अब तक है। देखो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की बात करें, इस बार 30 वैकेंसी है यूआर कैटेगरी से, तो इसकी कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ जाएगी इस वजह से। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की इसकी थोड़ी सी बढ़ सकती है, और जो कम कम पोस्ट हैं जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर, इसकी थोड़ी सी हो सकता है इनकी बढ़ जाए। लेकिन सीएसएस की बहुत ज्यादा वैकेंसी है इस बार, 482 वैकेंसी यूआर कैटेगरी, तो इस पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि जब तक इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा 300 रैंक तक तो वैसे ही खत्म हो जाएगा वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट, तो इस पे क्या इम्पैक्ट डालेगा। ये तो लास्ट वाली आ गया ना, बॉर्डर वाली। ऐसे ही अगर हम बात करें एक्साइज इंस्पेक्टर की, कम वैकेंसी जाती है, वो कम कट ऑफ जाती है, तो उस पर जीरो इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये चीजें आपको समझानी थी, मुझे लग रहा है सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और जो टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट होती है सीबीडीटी में, उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा अभी नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास रीजन वाइज वैकेंसीज नहीं आई है। रीजन वाइज वैकेंसी आएंगी तो थोड़ा आइडिया लगाएंगे, हो सकता है उसमें गिरावट देखने को मिले आपको, लेकिन वही है कि उसके बहुत ज़्यादा तो उसमें भी गिरावट नहीं आएगी। अब उसकी जो वैकेंसीज हैं जब आ जाएंगी रीजन वाइज, तभी हम उस पर कुछ बात करेंगे, अभी से कुछ करने का कुछ फायदा नहीं है उस पर, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया किन किन पोस्ट पर फर्क पड़ सकता है, किन किन पोस्ट पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में जिसमें और चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।